Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 21st April. 21 अप्रैल के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. I know वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है. इट्स अराउंड वन मंथ आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं प्रोवाइड किए गए, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे. प्लस जितने भी हमारे करंट अफेयर स्किप हो चुके हैं, मैं वीकली करंट अफेयर्स लाने की कोशिश करूँगा इससे पहले की, यानी कि अप्रैल के. मैं कोशिश करूंगा कि तीन वीडियोस में मैं आपको 20 अप्रैल तक का अप्रैल मंथ का कवर करवा लूँ. एंड अगर मार्च मंथ के करंट अफेयर्स हमारे रहे हैं तो मार्च मंथ के भी करंट अफेयर का वीडियो एक फुल फ्लेज्ड वीडियो आएगा जिसमें हम मार्च मंथ को भी कवर कर लेंगे. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे हमारे चैनल पर, जैसे इससे पहले आपको मिलते आ रहे हैं. सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पहली बार विजिट कर रहे हो. एंड अब आपको डेली कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे जो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड लीवर डे. वर्ल्ड लीवर डे कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली आपने ये बताना है. लीवर मीन्स हिपैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको हमने बचाना है. एंड इसके लिए बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स ग्लोबली ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं. सो यू हैव टू आंसर कौन सी डेट को इसे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 19 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड लीवर डे, याद रखेगा. आगे बढ़ते हैं. ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी, नेम ऑफ दिस स्टॉर्म इज मैगी. सो दिस स्टॉर्म मैगी हैज रिसेंटली हिटेड विद फिलीपींस. तो फिलीपींस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी लोगों की अराउंड 150 लोगों की जान भी गई है इसकी वजह से. 110 persons आर स्टिल मिसिंग एंड अराउंड 1.9 मिलियन पीपल्स हैव बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी. सो आपको याद रखना है. एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स भी आपको फिलीपींस की कैपिटल मनीला में मिल जाएंगे, तो याद रखना आपने. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तो आर्मी स्टाफ न्यू नामित हुए हैं 28वें आर्मी स्टाफ, आप लोग जानते हो मनोज मुकुंद नरवणे रिटायर हो रहे हैं. ओके, अब जो 29th हमारे आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं, आपको बताना है कि किसे नामित किया गया. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बनेंगे हमारे 29th आर्मी चीफ. ओके, जो हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं 30 अप्रैल को, यानी कि 30 अप्रैल के बाद जो बनने जा रहे हैं हमारे न्यू आर्मी चीफ, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे. तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट स्टेट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइन बाय व्हाट परसेंट. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2011 से लेकर 2019 की ये डेटा को कंसिडर किया गया एंड पॉवर्टी को देखा गया कि कितनी पॉवर्टी लाइक डिक्लाइन कितना हुआ है. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. सो 12.3% पॉवर्टी का डिक्लाइन देखा गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड 2011 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात की जाए. 2011 में अगर जो रेट था पॉवर्टी रेट था 22.5% इन 2011 एंड नाउ इन 2019 तक का डेटा कंसिडर किया गया. सो इसमें अब ये गिर के 10.2% है. सो जो इसमें डिफरेंस है, जो गिरावट देखी गई है वही आपको बताना था. सो 12.3% जो इसमें डिक्लाइन देखा गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड हाईएस्ट टनल कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय, तो इसे कौन बनाएगा. वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल रहने वाला है. वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे टनल तो आप लोग जानते हो रियासी में ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, वो चिनाब नदी के ऊपर. तो आपको ये बताना है कि ये दिस इज नॉट रेलवे टनल, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल रहने वाला है. ओके, तो ये कनेक्ट करेगा हिमाचल टू लद्दाख. तो आपको बताना है कि ये कौन बनाएगा, कौन बनाने वाला है. सो ये बनाएगा जी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ब्रो द्वारा इसे बनाएगा, बीआरओ द्वारा बनाया जाएगा, नॉट ब्रो. ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया जाएगा एंड इसका अनाउंसमेंट बीआरओ के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी द्वारा रिसेंटली किया गया. तो ये अपनी याद रखेंगे एंड विल बीआरओ विल बिल्ड द वर्ल्ड हाइएस्ट टनल एट सिंकू ला पास एट 16,580 फीट टू कनेक्ट करेगा जो हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख को. तो ये आपने याद रखना. एंड आपको लद्दाख का वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड तो फॉर श्योर याद ही होगा.
उमलिंगा पास, वो भी याद रखिएगा 19,300 फीट हाइट पे है, मोटरेबल रोड है उमलिंगा पास, वो भी आपको लद्दाख में मिलेगा, वो आप यहाँ पे याद रखिएगा, वो भी बीआरओ द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। सो 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, लोगो भी अनवील्ड किया गया, पिक्चर से आपने पहचान लिया है जी। हम बात करें नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। ओके, तो याद रखें 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट कौन करेगा, कलिंगा स्टेडियम एंड बाकी इसके भुवनेश्वर सिटी में बेसिकली ये होने वाला है, ट्विन सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड रोरकेला में होने वाला है, एंड ये जनवरी मंथ में हुआ 2023 में, एंड उड़ीसा होस्ट करेगा, दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं, पंजाब नेशनल बैंक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक, सो कमेंट डाउन, ये सेकंड की बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा ये आप कमेंट करके बताएंगे। अभी रिसेंटली पीएनबी बैंक ने अपना 128 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 12 अप्रैल 2022। ओके, 12 अप्रैल 2022 को इसने अपना 128वां, अब मुझे बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा आपके लिए आपका होमवर्क है, इसकी फाउंडेशन कहाँ पे हुई थी एंड इसके फाउंडर कौन थे, तो ये आपने चीज़ें बतानी है मुझे। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, हु इज़ द एमडी एंड सीईओ प्रेजेंट, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अतुल कुमार गोयल। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम, कि बायोग्राफी है, किसकी बायोग्राफी है ये आपने बताना है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। ऑप्शन चार के चार हैं, चारों के चारों ऑप्शन आप जानते ही हो, मिलेनियर्स। सो आपको ये बताना है कि ग्रेट लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम इज़ द बायोग्राफी ऑफ, ये हैं जी स्पेसएक्स के मालिक एंड टेस्ला के मालिक, ऑफकोर्स आप पहचान चुके हैं इन्हें, इलॉन मस्क। ओके, 2021 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इलॉन मस्क की बायोग्राफी है ये, ग्रेट लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2022, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया ये आपने बताना है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। सो इसे हर साल ऑब्जर्व करते हैं 17 अप्रैल को। ओके, 16 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है हेमोफीलिया, ब्लीडिंग, ब्लड के थक के जम जाना, इस तरीके की ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको यही बताना, इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप यहाँ पर याद रखें। मूविंग फॉरवर्ड, विच स्टेट सीएम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अनाउंस सेलिब्रेट 14 अप्रैल एज इक्वालिटी डे, तो 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे ऑब्जर्व किया जाएगा इस स्टेट में, किस स्टेट के मुख्यमंत्री द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। सो इक्वालिटी डे 14 अप्रैल को हर साल स्टेट, हर कौन सा स्टेट ऑब्जर्व करेगा, ये करेगा जी तमिलनाडु। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु विल ऑब्जर्व इक्वालिटी डे ऑन 14 अप्रैल एवरी ईयर ऑनवर्ड्स। ओके, ये उस डिटेल्स। नेक्स्ट इज हिम पहाड़ी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स विल बी लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट, तो कौन सी राज्य सरकार एक स्कीम जिसका नाम है हिम पहाड़ी, ओके पहाड़ी, तो ये स्टेट कौन सा स्टेट ये स्कीम स्टार्ट करने जा रहा है, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं एंड यंगस्टर्स के लिए स्कीम है जी, बेसिकली स्टार्टअप्स वगैरह ओपन किए जा सकते हैं, कुछ फाइनेंशियली हेल्प करेगा फॉर लाइक ओपनिंग न्यू स्टार्टअप्स। ओके, तो ये किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया, सो दिस हैज बीन लाइक इसे लॉन्च करेगा बेसिकली उत्तराखंड। ओके, पुष्कर सिंह धामी इज अ सीएम, ओके गुरमीत सिंह गवर्नर हैं, वो याद रखें। विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023, तो 2023 में चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का कौन सा कंट्री होस्ट करेगा ये आपने बताना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी हमारा इंडिया, इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। ओके, तो ये हो गए जी आज के क्वेश्चंस। आई नो देखो काफ़ी गैप के बाद वीडियो बनाना मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था, अब रीजंस क्या थे इन फ्यूचर आई विल श्योरली श्योर बट शेयर, बट ये कि मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स विदाउट हार्डली एनी हॉल्ट विदाउट एनी ब्रेक कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रोवाइड करना एंड इन बिटवीन लगभग 40 डेज अब तक वीडियोज ना पहुँचाना, सो इट्स मेरे लिए भी काफ़ी दिक्कत की बात थी, आपके लिए तो थी आपको वीडियो नहीं मिल रहे थे, बट नाउ होपफुली इन फ्यूचर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे एंड आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आपने करना ही करना है। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी ही कल न्यू वीडियो के साथ एंड एक क्वेश्चन आपके लिए ही है जैसे डेली रहता ही है, इसका आंसर भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर इंडिया फर्स्ट फुली ऑन बाय वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें जितना भी रहेगा एम्प्लॉयमेंट रहेगा वो सारा वुमेन द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। ओके,
तो फुली ऑन्ड वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया गया कौन सी इंडियन सिटी में, ये आपने बताना है. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, सो कमेंट डाउन द आंसर एंड मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून.